नासिर इस वक्त हम थाने में मौजूद हैं और यहाँ पर वो सफाक मुलजिम मौजूद है जिसने अपनी बीवी को मार डाला। जब आप इस मुलजिम को देखेंगे तो शायद देखने वालों को भी हैरत हो कि उम्र कोई बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि बहुत ज़्यादा कोई बड़ी उम्र का लड़का नहीं, कोई शादी को अरसा दराज नहीं बीत गया, कोई ऐसा मामला नहीं, लेकिन इंतहाई कदम उठाया। क्यों, इसी से बात करते हैं। क्या नाम है भाई तुम्हारा, आगे आ जाओ। क्या नाम है? तनवीर हसन। तनवीर हसन, उम्र कितनी है? 16 साल। 16 साल, निकाह नामे में तो 18 लिखी हुई है। हैं? झूठ बोल रहा था कि बच जाओ, बचोगे नहीं। सबा के साथ तुम्हारी पसंद की शादी थी जी। कितने अरसे से जानते थे? थोड़ी देर से जानते। थोड़े देर से मतलब क्या, 5 मिनट पहले जान पहचान हुई फिर शादी होगी, ऐसे तो नहीं होता होता ना? हम सामान सटन गए थी ना, सामान फेंकने गए थे जी, फिर मुलाकात हुई, उधर मुलाकात हुई थी जी। अच्छा, करते क्या हो? मजदूरी करते हैं। मजदूरी क्या, मजदूरी में तो बहुत सारे काम आते हैं। रेड़ा घोड़ा। अच्छा, घोड़ा गाड़ी रखी हुई जी। अच्छा, कितने अरसे से सबा को जानते थे? ये कोई 10-15 दिन। 10-15 दिन से या 10-15 महीने से? 10-15 दिन से। 10-15 दिन में शादी हो गई तुम्हारी? नहीं, अब महीना लग गया। अभी कह रहे 10-15 दिन से जानते हो, अभी कहते महीना लग गया। इसी हिसाब से तो जो तुम बता रहे हो 1.5 महीना तो यही बन जाता है। सही तरह बताओ ना खुल के। 15 महीने मारते थे हाथ नहीं काम पे, अब कांप रहे हो। महीने को मैं जानते थे। कितने देर से जानते थे? महीने से। तुम इतने चूजे नहीं हो, कातिल हो तुम। महीने से जानते थे। कितने महीने से? 1 महीने से। रिश्ता कितनी बार भेजा था उसके घर? 2-3 बार 4 बार। 3-4 बार भेजा था। क्यों, वो रिश्ता दे नहीं रहे थे? दे रहे थे इसलिए अम्मी अबू रख रहे। नहीं दे रहे थे जी। क्यों नहीं दे रहे थे? वो अंदर घर जवाई रखना है। फिर शादी कैसे हुई, माने कैसे वो लोग? माने सब आखे मैं इस अपने साथ करा, इन दे नाल कराना। सबा ने कहा जी। अच्छा, तुम्हारी मोहब्बत में पागल हुई थी जी। अच्छा, फिर शादी हुई जी, धूमधाम से हुई थी जी। अच्छा, बड़ा खुश थे शादी पे जी। कितनी देर हो गई थी शादी को? 2 महीने हो। 2 महीने हुए जी। 2 महीने में, 1 महीने में पता है कितने दिन होते हैं जी? कितने होते हैं? 30। 30, 2 महीने में कितने हुए? 60। 60 दिन। 60 दिन बहुत ज़्यादा थे, पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी। जी। उधर क्या देख रहे हो, मुझे देख के बताओ जी। हैं, पूरी ज़िंदगी जी ली थी उसके साथ? बैठी सी। कौन? सबा। पहले नहीं था पता? पहले को नहीं पता लगा, बाद में पता लगा। अच्छा, बाद में पता चला। क्या बुराई थी इसमें? बैठी सी मूछियां छोड़ना लगता मैं। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? मैं उनके को पूछा सी ना। किससे? मूछी छोर को। उसने कहा और वो सच हो गया? कोई सबूत? उनके को पूछा सी ना, उसने कहा था 2 बार मिली है मुझे। अच्छा, कोई सबूत था इस बात का? कोई सबूत? सबा को मैं पूछा सी शाम को। अच्छा, मेरे कमरे में से, दोनों कमरे में से। फिर उस भी क्या, मैं 2 बार मिली हूँ। अच्छा, फिर मैं फिर उसे फोटो देखा। मारा कैसे? फोटो देखा। इस तरह करके बताओ मुझे जरा। इस तरह थे? तो उसके जो बाजुओं पे निशान थे और जो उसके गले पे निशान थे सारे? ओ जी, वंगा होनी है, टूट गई ऐसी वंगा। अच्छा, तुम उसे मार रहे थे और वो चीखे भी नहीं? मुँह से हाथ रख लिया। बड़ी प्रैक्टिस है, क्या पहले भी कत्ल करते रहते हो? नहीं। सिखाया किसने था ये सारा? किसी ने। ऐसा हो नहीं सकता, किसी ने सिखाया। ये तरीका कहाँ से सीखा था? किसी से भी नहीं सीखा सर। तो ये क्या आमद हुई थी ऊपर से? नहीं, कहीं तो देखा होगा ना? नहीं जी। किसी से पूछा होगा, किसी दोस्त यार से मशवरा किया होगा, घर में किसी से बात की होगी? किसी से नहीं। तो फिर तरीका कैसे समझ आ गया कि इसको ऐसे मारना है? इंग्लिश फिल्म अनुवाद के सीन बनाना है, इसमें बामलता बनी है नाटक को, तो देख मार। अच्छा, और वो चीखे भी नहीं? नहीं जी, मुंह से हाथ रख लिया। अच्छा जी, इतनी मोहब्बत से तुमने उसके साथ शादी की और फिर तुमने जरा सी बात किसी ने की और तुमने उसका गला दबा के मार डाला, ये समझ में मेरी वैसे नहीं आ रहा। तुम्हारे साथ सारे लोग शामिल है, तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं जी, मैं अकेले ही सी। तुम इस हद तक चलाक हो, अंजाम का पता नहीं था? नहीं जी, कौन? नहीं पता था? नहीं। कि जिसने मशवरा दिया था उसको मार दो, उसने ये नहीं बताया था कि उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा? है ठीक, तुमने अभी कहा कि वो लड़ाई वाले सारा मामला हुआ था और हम घर से आए। नाज़रीन, यहाँ पे
सबा जिस दुनिया में नहीं रही, उसके वालिद जो कि जख्मों से चूर हैं इस वक्त, जाहिर है जवान बेटी जिसको बयाया उसका जनाजा देखा, इसके ससुर, मैं उनको बुलाना चाहूँगी ताकि तस्दीक करें कि सारा मामला क्या था। आइए जी, तुम्हें पता था तुम्हारी बीवी हामला है? जी। कितनी देर की? डेढ़ महीने। ये पता था कि बेटी होने वाली है? जी। क्या? जी जी, मुझे सही तरह बताओ। समझ बेटी नहीं थी पसंद। तुम्हें बेटी नहीं थी पसंद, इसलिए मार दिया? जी। अच्छा, ये बात खुली कैसे थी कि कत्ल हुआ है? जो तो उसका खत्म सी ना। हाँ। आजी साहब ने जो साढ़े पिंड दराने उन्हें पूछा सी, उन्हें कहते हैं पुलिस दे हवाले कर देना। हाँ। सीधी सीधी दा अच्छा। हाँ। मैं जी सीधी सीधी बनांदा अच्छा। बता दी जी, फिर ही बात खुल गई जी। भागे वहां से? नहीं जी, उन्हें आके पेश करा दो। पेश करा दो, हम छुड़ा लेंगे जी। सर, आप सबा के वालिद हैं जी? ये आपका दामाद है जी, जिसने आपकी बेटी को कत्ल किया जी। ये कहता है कि सबा जो थी वो ठीक नहीं थी, कोई पड़ोसी के साथ तल्लुकात थे, क्या सदाकत है इस बात में? आपके घर में पली बड़ी है, आपकी बच्ची है वो? जी बिल्कुल, हमारी बच्ची है। उनको इधर सिर्फ 4-5 दिन हुए ना आया इनको इस जगह पर। अच्छा जी, पहले आप यहीं और रहते थे? जी हम और देर रहते थे। तो यानी कि सबा की शादी के बाद आए इधर? जी बच्ची की शादी की है ना, वो तो पहले 4-5 दिन आया है। अच्छा, इनका माँ प्यो गया, दूसरे इनके रिश्तेदार गए, कहने जी सानू तब उसका जेन इसकी तरफ था। हाँ जी। अच्छा जी, सानू ये रिश्ता दे दो जी, रिश्ता दे दो जी, असि आके देखांगे फिर बात थोड़े से करांगे। आसान देखे सानू पसंद आ गया। यानी कि आपको इसकी शादी से पहले 5-6 दिन पहले वहाँ पे आए जी? तो पहले मरम की बात है, मैं उसको लेके गया हूँ, ये दोनों गए जाके ले आंदा, फिर चले। आपके पड़ोसी से कोई लड़ाई हुई थी? नहीं। काशिफ के साथ? नहीं सर, कोई लड़ाई नहीं। नहीं, कोई लड़ाई नहीं है जी। क्यों भाई? उसी से हम पे, उसने मुझे गाली दी, मैंने उसे। चलो तुम्हारी उसके साथ लड़ाई हुई ना, गाली दी किसी और बात थी, बीवी को क्यों उसमें गलत कह रहे हो? हैं 5-6 दिन पहले वो वहाँ पे आ रहे हैं रहने के लिए, तुम्हें तुम्हारा रिश्ता बार बार उस घर में जा रहा है, लड़की का जेन तुम्हारी तरफ है, तो तुम्हें कोई शर्म या है? झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो? नहीं मैडम साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच बोल रहा हूं। जो सच बोल रहे हैं मैंने देख लिया। ठीक, आपका बहुत शुक्रिया, आप जाए, आपके सामने में अब ज्यादा क्या पूछूं। कबर में पुटनी शुरू कर दी है, तजा भी पिलाना शुरू, बच्ची दिया है ना पहले? हाँ तजा भी इन्हें पिलाया, बोला पूछो पिलाया कि नहीं तजा? नहीं। अच्छा चले, वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ जाएगा। इसकी, आप आ जाए। इसकी बहन है, वो मोची चोर है, उसके साथ शादी की है, उन्हें बता दिया भी ये बात है, इन्हें रल के सब मार दिया मेरी बच्ची को। इंसाफ होगा? इन्हें तो मैंने बताया भी नहीं है आपकी बच्ची फौत हुई है कि नहीं हुई, इन्हें तो बताया भी नहीं है। इन्फॉर्म भी नहीं किया? नहीं बताया मैडम साहब, इन्हें नहीं बताया, मैंने किसे पिंड वाले तो मंडी वाले ने बताया है भी आपकी बच्ची फौत हो गई, मैं फिर भी नहीं यकीन किया। अच्छा, मैं इधर आया, इधर लंबरदार है, उन्हें भी धमकियां दी है। कौन आप? लंबरदार? रार लंबरदार है पिंड का, इन्हा का वो तो कहता है अमीर, अमीर ने दिया है। अमीर साहब तो कहते हैं मैंने कोई जी मेरे सामने आने बला धमकियां दिया क्या? नहीं दिया करते हैं, कहते हैं मेरे सामने ले आए सबको। मैडम साहब मेरे सामने आने धमकियां दिया क्या नहीं? अभी आराम से बैठ जाओ। हाँ जी ठीक।